नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन आरक्षण रद्द किए जाने को लेकर अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने इस बाबत आवाज बुलंद नहीं की है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता के द्वारा आवाज भले ही बुलंद न की गई हो, लेकिन राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने इस मामले में खुलकर सामने आ गए हैं। आर पांडियन ने सामने आकर अपनी आवाज ही नहीं बुलंद की, बल्कि सरकार को चेतावनी भी दे डाली है और ऐलान कर दिया है कि सरकार इस ओर ध्यान देकर तत्काल आरक्षण पर फैसला करे, अन्यथा भीम सेना पार्टी सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए पूरे देश में आंदोलन का बिगुल फूंक कर लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है, आपने देखा होगा कि 7 मई को महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति, जो SC ST क्लास को जो 33% रिजर्वेशन मिलता था प्रमोशंस में, इन्होंने उनको खारिज कर दिया है। तो हमारी ऐसी मांग थी कि जो SC ST का जो मतलब के जो रिजर्वेशन था, ये वापस लेके कहीं ना कहीं सरकार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट ने मराठा लोगों को, जो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा था, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, और इसके वजह से कहीं ना कहीं मतलब मराठा समाज को खुश करने के लिए इन्होंने इस तरह का जो मतलब के जो प्रोविजन में तो उनके पास पेंडिंग था कि कहीं ना कहीं मतलब ये हो सकता था प्रोविजन में, तो उन्होंने ये लागू करके कहीं ना कहीं SC ST समाज को दुखी करके और उनका हक और हनन, उनका हक का जो अधिकार है वो हनन करके। आपने देखा होगा कि जो SC ST क्लास है, कितने मतलब के हजारों सालों से उस समाज पर अत्याचार होता है और इस पर कहीं बराबर रहे नहीं। ये जो 33% जो प्रमोशन का जो ये था, तो ये मतलब इससे वजह से कि समाज को कहीं ना कहीं जो पीछे वो रह गया, उस समाज को न्याय मिलता था, और जो छोटा ऑफिसर उसका जो मतलब के जो भी ऑफिसर आता था, जो भी जैसे अपना पुलिस में या इसमें, तो कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन थोड़ा जल्दी मिलने से कहीं ना कहीं हम उस जो पिछला जो अन्याय हुआ उसको इधर इस तरह का जो प्रमोशन देकर हम न्याय देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मराठा जो आरक्षण की वजह से जो उधर आरक्षण जो फेल हो गया, जो लॉलीपॉप BJP सरकार जो थी उस टाइम, जो BJP की गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, जो मतलब लोगों को खुश करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो अलगनामा डाल के जो लड़ना चाह रही थी कि वो मिलना चाहिए करके, तो आपने देखा होगा कि वो वहाँ पर हार गए। तो कहीं ना कहीं मतलब या उन लोग जो मराठा, इतना जो मराठा समाज है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करते हुए इन्होंने ये किया है कि जो उद्धव सरकार ने ये SC ST NT का जो है उन्होंने प्रमोशन रद्द किया है। हमारी पार्टी की तरफ से हमारी ये मांग है कि ये जो SC ST का जो रिजर्वेशन है, ये तुरंत लागू करना चाहिए। फुटबैक जाना चाहिए, बैकफुट होके ये जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो मिलते रहना चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा तो हमारे भीम सैनिक है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता है, सब जो जिला कार्यालय के सामने आंदोलन करेंगे। और मैं जो SC ST समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरी मूवमेंट के लोग हैं, जो अम्बेडकरी समाज के लोग हैं, उनसे मैं विनंती करूँगा कि आप लोग जो भी BJP, राष्ट्रवादी या जो शिवसेना है और कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, ये सब पार्टी के अंदर जो भी अपने अम्बेडकरी समाज के लोग हैं, SC ST लोग ने इस पार्टी का, इन पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए। ये लोग हमारा सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हमारे वोट का इस्तेमाल करते हैं, हमारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और सत्ता में आते हैं। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी ST रिजर्वेशन की सीट्स होते ही है, जहाँ पर जैसे राष्ट्र जब ST जो रिजर्व सीट्स है इसके अंदर, मतलब कि नगर पालिका हो या जिला परिषद हो,
या जो अपने आपने देखा हाउस में हो, तो इधर जितने भी है ना अपना जो जो एससी जो रिजर्व सीट्स की है उसके अंदर क्या इनके पार्टी के लोग हैं जो ऐसी समाज का इस्तेमाल करके ऐसी समाज के उसमें जो जीत के आता है ऐसी समाज, वो अपना देखा जहाँ भी अत्याचार होता है एससी का वो आवाज़ नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि उनको जो जो सीट चुन के आता है वो जो ऐसी चुन के आता है उनको उनकी पार्टी के हिसाब से उनके जो मास्टर जो बोलेंगे वो हिसाब से काम करना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को इतना लाचार ना हो, मैं अपने ऐसे समाज के लोगों को ही बोलना चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी से टिकट ही ना ले ना लड़े, भले अपनी अम्बेडकरी पार्टी हो या छोटी पार्टी क्यों ना, उसमें उसके अंदर आए, उसको संघर्ष कर, उसको बड़ा करे कि अपना जो जो मुद्दा है आज हमारे समाज पर अगर अत्याचार होता है जैसा भी अत्याचार किया तो ये सब चीज़ के लिए हम आवाज़ खुल के आवाज़ उठा सकते हैं। आपने देखा होगा अभी राष्ट्रवादी के अंदर है या कांग्रेस के अंदर है, जो भी पार्टी के अंदर अभी जो लोग है ऐसे समाज के लोग जो सरकार में, किसी ने राजीनामा दिया, किसी ने बोला कि ये जो चीज़ हो रही है गलत हुई, नहीं बोल पाते क्योंकि उनको पार्टी के विचारों के हिसाब से या पार्टी के हाईकमान जो बोलते हैं उस तरह काम करना पड़ता। तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि इस समाज को कि हम लोग जो सेपरेट इलेक्टोरल जो बाबा साहब बोले थे हमको सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, हमारा ये मतदार संघ होना चाहिए, वो हम लोग उसके लिए फिर से संघर्ष करेंगे और हम लोग अपना जो है सेपरेट इलेक्टोरल पाके रहेंगे। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।